घर की औरत पार्ट 3। मीना का घर ठीक से ही चल रहा था, मतलब अब सास और बहू दोनों कमा रही थी, खुद की जिंदगी जी रही थी, मिलजुल कर रह रही थी। लेकिन कहते हैं ना, दुख के दिन नहीं टीके तो सुख के दिन कैसे। अरे मंगलू, कहाँ है? कितने दिनों से गांव नहीं आया माँ की खोज खबर लेने। तभी मीना आ जाती है। अरे दादी सास, आप कैसे आना हुआ? बताया नहीं हम स्टेशन आ जाते। ये बोलते हुए मीना अपनी दादी सास के पैर छूने के लिए झुकती है कि दादी सास जोर की लात मारती है। मेरी आई कैसे आना हुआ? मेरे पति का मकान है ये, और तेरे बाप ने क्या दिया जो तू पूछ रही है, है? और ये क्या पहना है, न साड़ी न सर पर पल्लू, बात बात पर जबान खुलती है। दादी सास बोलना रोक ही नहीं रही थी। मीना को गुस्सा आने ही वाला होता है कि उसकी सास आ जाती है। क्या बात है मीना, कौन चिल्ला रहा है? मैं हूँ मंगलू की दुल्हन। बहुत चपर चपर कर रही है ये मीना बहू, इसकी जुबान पर लगाम लगवा ले। मम्मी जी, मेरी बहू बहू है, घोड़ा थोड़ी ना है जो लगाम लगवा दूं। तभी वहां मंगलू यानी कि मीना का ससुर आ जाता है और मीना की सास को एक जोर का तमाचा लगा देता है। वाह, जुम्मा जुम्मा दो दिन हुआ नहीं कमाना शुरू किए, मेरी माँ के सामने होशियार बन रही है। मैंने बुलाया है माँ को, ये रहेंगी तो कम से कम इस घर की औरतें औकात में रहेगी। अरे जब से कमा रही है सर पर चढ़कर नाच रही है। चिंता ना कर मंगलू, मैं आ गई हूँ ना, दोनों को लाइन में लगा कर रखूंगी। दोनों बहू ने मेरे मंगलू की जिंदगी खराब कर रखी है। तभी वहाँ पोता यानी कि मीना का पति आ जाता है, पोता जो कि दादी का दीवाना था। दादी दादी, मुझे क्यों नहीं बताया कि आप आने वाले हैं? मैं गांव आ जाता कार लेकर आपको लेने। अरे तू तो जानता ही है कार में बैठ नहीं पाती, पता नहीं बहुत दिनों से लग रहा था कि तू और मंगलू परेशान है। आज मन नहीं माना तो आ ही गई मैं, देख यहाँ आकर पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है दादी, यहाँ तो सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्यों माँ, क्यों मीना, क्या हो गया? इन दोनों को क्यों परेशानी होगी, इन लोगों ने तो परेशान करके रखा है। माँ और मीना के बारे में कैसी बात कर रहे हैं पापा, क्या हो जाता है आपको रह रहकर? तू तो खाना बना बना कर बेशर्म हो गया है, लेकिन मैं नहीं, मेरी माँ आ गई है अब इस घर में। अब यहाँ सब वैसे ही रहेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। देख मंगलू, तेरी बहू काम करती है तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी बहू कोई दर्जी का काम नहीं करेगी, सब सब बोल रही हैं। लेकिन दादी साहब, वो तो बहुत अच्छा बुटीक चला रही हैं। बहुत अच्छा चला रही है, लेकिन हम लोगों ने अपने घर की बहू से ना काम नहीं करवाना। अरे इसके बाप को शादी के वक्त ही बोल दिया था, और इसके बाप जिन्होंने दहेज में एक साइकिल दी थी ना, कैसे हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी आपके घर आ गई, इससे सौभाग्य कुछ नहीं। अब देखो इसकी बेटी बहू आ जाने के बाद सर पर चढ़ रही है मेरे मंगलू के। मीना जो कि सास की बुराई सुनकर परेशान हो जाती है। दादी सा छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या पिताजी ने आपको बताया नहीं, सासू माँ ने अपने पैसे से ससुर जी के जन्मदिन में कार दी थी। ससुर जी इतने साल से स्कूटर से जाते थे, अब कार से जाते हैं, क्यों ससुर जी बताया नहीं आपने? क्यों रे मंगलू, कार ले ली तूने? मुझे तो तू पैसे भी नहीं भेज रहा, 2 महीने से कैसे कैसे दिन काट रही थी और तू यहाँ कार से घूम रहा है। आप भी सासू माँ को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दीजिए दादी सा, वो डाल दिया करेंगी पैसे आपके अकाउंट में, क्यों सासू माँ? मंगलू यानी कि मीना का ससुर, जिसने अपनी माँ को गांव से सिर्फ अपनी बीवी को लगाम लगाने के लिए बुलाया था, ये सब देखकर जोर से चिल्लाता है। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share us.